हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों काफ़ी सारी दोस्तों पिछले वीक में काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं, तो पूरी दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन सब अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। अपूर्या मूवी का ट्रेलर आया है, इसके साथ ही दोस्तों द रेलवे मैन का टीज़र आ गया है, इसके साथ ही एक दोस्तों क्लिप है जो मुंबई मेरी जान एक सीरीज़ चल रही है उसकी एक क्लिप है दोस्तों। वो काफ़ी मेरे को एकदम से, मैं दोस्तों देख रहा था तो मुझे वो दिखी और काफ़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैं दोस्तों उसके ऊपर भी आज रिएक्शन करूंगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आज के वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एक वेब सीरीज की, एक मिनी सीरीज आई है, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ द रेलवे मैन वेब सीरीज की। इस सीरीज को दोस्तों यशराज स्टूडियो ने बनाया है, तो यशराज स्टूडियो की जो पहली सीरीज होने वाली है वो सीरीज होने वाली है द रेलवे मैन। किरदारों की बात करूँ तो दोस्तों इस सीरीज में आर माधवन और के मेनन मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। ये सीरीज दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आ रही है, इसके साथ ही यशराज स्टूडियो इससे जुड़ा हुआ है और उनकी पहली सीरीज होने वाली है, तो दोस्तों क्वालिटी वाइज तो काफी अच्छी सीरीज मिलेगी। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों उसके ऊपर इसकी स्टोरी पूरी बेस्ड रहने वाली है। ये कहानी दोस्तों उन अनसंग हीरो के बारे में बात करेगी जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और जिन्होंने उस दिन, जिस दिन ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस दिन एक बहुत मेजर रोल क्रिएट किया था लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए और बहुत से लोगों की जान बच पाई थी उन मतलब के अनसंग हीरोज की वजह से। देखते हैं दोस्तों इसके टीजर में अपन को क्या देखने को मिलता है। बिना देरी के द रेलवे मैन का टीजर रिएक्शन करते हैं। यशराजन एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। पुराने भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है। गैस लीक हो गई थी उसी को। शहर का गला घुट रहा है। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है। रद्दी पांडे बोल रहा हूँ। जी, हम सेंट्रल रेलवे से। हाँ, मैं स्टेशन मास्टर बोलिए। हमारे पास टाइम नहीं है स्टेशन मास्टर। आप अकेले हैं? लोको पायलट है यहाँ। ये मेरी बस्ती है, मेरा शहर है, कुछ हुआ लोग मेरे मरेंगे। जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा। क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं कॉन्स्टेबल? इस वर्दी से ज्यादा शख्स पे सर। काफ़ी यार मतलब कि रोंगटे खड़े कर दिए मेरे तो भाई। और टीज़र में ही मतलब कि काफ़ी कुछ दिखाई दे गया और काफ़ी इंटेंस माहौल है उसके अंदर, कैसे लोगों को जान बचानी है वो सब देखो दोस्तों दिखाई दे रहा है। जो मुख्य किरदार है के मैनन हो, आर माधवन हो, इसके अलावा दोस्तों बाबिल खान भी नज़र आ रहे थे, तो उनका जो करेक्टर है दोस्तों वो किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाने पर लगे पड़े हैं वो दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर दिखाई देगा। और काफ़ी इंटेंस दोस्तों सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर, वो पूरी तरीके से मतलब इसमें लगे हुए हैं कि वो बाबिल खान का करेक्टर बोलता भी एक जगह पर कि ये मेरे लोग हैं और मरेंगे तो मेरे ही लोग मरेंगे, तो उस मतलब सिचुएशन में कैसे मतलब कि चारों तरफ दोस्तों गैस फैली हुई है और ऐसी गैस है कि लोगों की जानें जा रही हैं उसमें, उसके बीच में दोस्तों ये लोगों को बचाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। और दोस्तों जब ट्रेलर आएगा तो इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा स्टोरी का पता लगेगा। बाकी अभी जो दोस्तों स्टोरी मेरे को लग रही है तो वही लग रही है कि एक तो जो जिस तरीके से वो गैस त्रासदी हुई थी उसकी जो बैक स्टोरी है वो पूरी की पूरी दोस्तों इसके अंदर दिखाएंगे ये, और भोपाल की जो गैस त्रासदी थी उसने किस तरीके से लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था वो इस सीरीज़ में दिखाई देगा। और एक दोस्तों मेरे को लग रहा है जो ज़्यादा इनका जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ के ऊपर रहेगा, स्टेशन पे दोस्तों जो स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे स्टेशन पर, उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए क्या क्या किया वो सब इस सीरीज़ में दिखाई देगा। मुझे लगता है दोस्तों कि ट्रेन से रिलेटेड उनका पूरा क्षेत्र था तो वो ट्रेन को रोकेंगे, मतलब कि भोपाल में एंट्री ना करें, बाकी जो पीछे ट्रेन्स आ रही हैं उसके लिए भी वो कोशिशें करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सब भी इस सीरीज़ में पूरा दिखाया जाएगा। और काफ़ी यार अच्छे एक्टर इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं, जो रियल इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है, आर माधवन के मैनन काम कर रहे हैं तो काफ़ी उसकी इंटेंसिटी और सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही है, यशराज वालों ने बनाई है तो काफ़ी
अच्छे से इसको दिखा रहे हैं ये इसके अंदर, किस तरीके से ये जो करेक्टर है आपस में मतलब कि एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे और लोगों को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे, और अपने जो खुद के इनके लोग हैं और जो अपने इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे इनका क्या कनेक्शन रहेगा, किस तरीके से ये चीज़ों को हैंडल करेंगे और कितना सब्र इनको रखना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, तो वो सब दोस्तों इस सीरीज़ में दिखाई देगा। काफ़ी इंटेंस स्टोरी रहने वाली है दोस्तों इस सीरीज़ की। ऐसे ही दोस्तों एक और मूवी का ट्रेलर भी आ गया है दोस्तों, अपूर्वा मूवी का ट्रेलर आया है। अपूर्वा मूवी के किरदारों की बात करूं तो दोस्तों इसमें दिखाई देंगी, मेन जो किरदार में दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी तारा सुखारिया। इसके साथ ही सीरीज में दिखाई देंगे काफी दमदार एक्टिंग करने वाले अभिषेक बैनर्जी, साथ में ही राजपाल यादव भी सीरीज में दिखाई देंगे। इस मूवी को दोस्तों थिएटर पर रिलीज नहीं किया जा रहा है, यह मूवी दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 15 नवंबर से देखा जा सकेगा। इस मूवी का दोस्तों जो प्लॉट है वो भी दोस्तों काफी इंटेंस सिचुएशन पे बताया जा रहा है, और जो एक सर्वाइवल मोड की जो मूवीज होती हैं सर्वाइवल का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट रहता है वो दोस्तों इस मूवी में दिखाई देने को मिलेगा। इसके पोस्टर दोस्तों काफी इंटेंस और काफी सीरियस लग रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों इस सीरीज के ट्रेलर में क्या देखने को मिलता है। तो बिना देरी के इस मूवी का ट्रेलर रिएक्शन करते हैं। निशाना आंख में होना चाहिए, बंदूक में नहीं। एक कंपटीशन खेलेंगे, रेडी 1 2 3 शुरू में तेरा प्यार जोधपुर है। हम शादी एक साल बाद नहीं कर सकते क्या? भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता। गाने अच्छे हैं। मैं कलांगरा जा रहा हूँ, चलो ना। शादी से पहले नहीं, कोई आ रहा है। मैं आज आगरा जा रही हूँ, सिड का बर्थडे है यार, उसको सरप्राइज करने जा रही हूँ। गड़बड़ होगी लगता है। हैप्पी बर्थडे। क्या घरेलू टाइप के नहीं मन करता है, शादी करो। किडनैप कर लिया सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला मतलब ना। 2.5 घंटे हो गए हम, प्लीज कुछ कीजिए ना सर। पहले कौन जाएगा? हम जाएंगे और कौन जाएगा? हाँ तो रोहित शर्मा है ना, तो ओपन तो यही करेगा। आज तो पूरी पिक्चर बनाएंगे। साले मरेंगे सब के सब इस लोंडिया के चक्कर में, जो मर्जी हो करो लेकिन आज रात में इसको सुलटाओ। क्या है यार? काफी बीहड़ जगह है यार, बिल्कुल वीरान टाइप जगह। हम लोंडिया का पीछा करने नहीं आए थे, हम ट्रक लूटने आए थे। इनको ट्रक लूटने जाना है, अकेले चले जाओ, हम लोंडिया के बिना कहीं नहीं जा रहे। कुआ है क्या? काफ़ी इंटेंस था यार, कितना मतलब कि थ्रिलिंग और वैसा मतलब सीरियस सिचुएशन वाला पूरा एक मूवी रहने वाली है, और दिखाई दे रहा है तारा सुखारिया जो पहले मतलब कि इस तरीके के किसी रोल में आज तक दिखाई नहीं दिए हैं, उस तरीके का रोल इस मूवी के अंदर निभाएंगी, और काफ़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई है। स्टोरी की बात करूँ तो दोस्तों इसमें ये दिखाई दे रहा है कि तारा सुखारिया का जो लाइफ है काफ़ी सही अच्छी चल रही है, और अपूर्वा नाम से शायद उनका करेक्टर रहने वाला है इस मूवी के अंदर, और वो उनकी शादी होने वाली है, तो वो सरप्राइज़ करने के लिए अपना जो जिससे उनकी शादी होने वाली है उन्हें सरप्राइज़ करने के लिए कहीं आगरा के लिए निकलती हैं, और रास्ते में ही उनका किडनैप हो जाता है। और जो राजपाल यादव और जो अभिषेक बैनर्जी का किरदार है वो कोई मतलब कि एक तरीके से क्रिमिनल और गुंडा टाइप लोग हैं, बस में से एकदम से उन्हें किडनैप कर लिया गया। तो ये किस तरीके से ये स्टोरी चलेगी ये तो दोस्तों मूवी में ही पता लगेगा, पर उसके बाद जो दोस्तों सिचुएशन क्रिएट होती है वो बहुत ही भयानक है। जो वुमेन सेफ्टी की एक बात होती है और
किस तरीके से अपूर्वा इन क्रिमिनल्स के चंगुल से निकलकर बचेगी और कहाँ कहाँ वो फंसेगी और वो उसको ढूंढने में पुलिस को जो दिक्कतें आ रही हैं और उसकी फैमिली को जो दिक्कतें आ रही हैं वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो काफ़ी इंटेंस और सीरियस इशू पे दोस्तों ये मूवी बनी है। पहली बार इतनी टफ सिचुएशन में और इतना मतलब कि रियलिस्टिक मतलब जो एक मूवी होती है उसमें काम करते हुए मैंने तारा सुखारी को देखा है। काफ़ी पावरफुल रोल है उनका। आगे दोस्तों किस तरीके से वो उनसे बच के निकलेंगी और वो उनको ढूंढने में सबको दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद समय भी बीतता चला जा रहा है, उसमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है रात भी हो जाती है, फिर वो किसी कुएं में अपने को आपको बचाने के लिए मतलब कि संघर्ष करती हुई नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी इंटेंस और सीरियस सिचुएशन बनने वाली है मूवी के अंदर। तो ट्रेन की पटरियों पर चलती हुई नज़र आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल पे ये मूवी रहेगी। किस तरीके से उनसे बच के निकलेगी, किस तरीके से वो पलटवार करेगी, ये सब इस मूवी में दिखाई देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक सीरीज़ आई थी दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले अमेजन प्राइम पे, काफ़ी उसके बारे में बात चल रही थी और काफ़ी उसका बज भी बना हुआ है अच्छा खासा। तो उस सीरीज़ का दोस्तों नाम है बम्बई मेरी जान। सीरीज के दोस्तों जो किरदार हैं और जो दोस्तों उसकी स्टोरी है वो गैंगस्टर और जो क्राइम की दुनिया होती है उसके ऊपर उसकी दोस्तों स्टोरी है। और जो उसके मूवी के जो पात्र हैं के मेनन ने दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया है उस सीरीज़ के अंदर। पहले के समय में दोस्तों 90s और उससे पहले के समय में दोस्तों जो एक क्राइम की दुनिया का पूरा माहौल रहा करता था बम्बई के अंदर, एक माफिया टाइप चला करता था, गुंडा राज चला करता था, उसके ऊपर वो दोस्तों पूरी सीरीज़ है। और उस सीरीज़ में दोस्तों जो के मैन का किरदार है वो एक पुलिस वाला है, उसके पास दोस्तों एक माफिया का ही एक आदमी आता है और वो उनसे किस तरीके से बात करता है। तो दोस्तों और के मैन का जो किरदार है वो दोस्तों एक पुलिस वाला है, ईमानदार पुलिस वाले के किरदार में के मैन नज़र आ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में अपन को क्या देखने को मिलता है। बिना देरी के इस वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। ये मिला मुझे सत्यवाद से। अब हराम का धंधा करोगे तो धोखा ही मिलेंगे, ईदी थोड़ी मिलेंगी। सही है। ईमानदारी का करोगे क्या इस्माइल? नींद अच्छी आती और भूख नहीं लगती। सरकार देती है ना तनख्वाह मेरे को? हाँ, 54 रुपए, 5 पेट पाल रहा है तू और अब 6। अपने अहंकार में इनको क्यों मार रहा है? अल्लाह का वादा है, पैदा किया तो भूखा नहीं मारेगा। इसीलिए अल्लाह ने मुझे कुछ भी बोलना है तेरी मदद करने के लिए भेजा है। कमाल है, आजकल अल्लाह शैतान को भी भेजते हैं क्या? ईमानदारी ईमानदारों के बीच करो ना तो अच्छी है इस्माइल, वरना बेवकूफी कहलाती है। तू पुलिस में काम करता है तो ईमानदार नहीं है, तू अकेला है। किसी दिन कहीं कोई गोली वोली चल गई तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन बड़ा करेगा? मौत भी अल्लाह ने लिखी है आजी, जिस दिन आएगी ना, क्या बात बोले, बिंदास मर जाएंगे। ओहो, नमाज का वक्त हो गया, शैतान को भगाना है। शैतान को भगाना है। खुदा हाफिज। क्या पावरफुल वीडियो था यार, छोटे से वीडियो में दोस्तों कितनी पावरफुल बात नजर आ गई, कितनी कमाल की बात है। नहीं, सीरीज का दोस्तों अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जरा से दोस्तों एक वीडियो के अंदर कितना कुछ देखने को मिल गया। कितनी मजबूती से दोस्तों एक्टिंग करते नजर आए के मैनन और कितनी ज़बरदस्त बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर बोल दी। और वो दोस्तों जो माफिया का आदमी था वो पूरी तरीके से उनको अपनी तरफ लेने के लिए मतलब कि उनको धमकिया टाइप भी वो उसमें एक जगह दे दी उसने कि तुम्हें गोली लग गई तो क्या। तो उसने कहा भाई अगर ऊपर वाले ने भगवान ने लिख दिया है कि भाई मरना है तो मरना है, फिर उसमें कोई क्या ही बचा लेगा मेरे को। के मैनन की एक्टिंग इस वीडियो के अंदर भी देखो बिल्कुल इंटेंस और बिल्कुल जहाँ पे एक एक बात किस तरीके से बोलनी है और किस तरीके से चेहरे के एक्सप्रेशन रहने चाहिए तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कितने मतलब कि माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं। उस माफिया के बंदे ने पूरी तरीके से बहुत कोशिश करी उनको अपनी तरफ लेने की देखो, पर उन्होंने दोस्तों अपने जो सिद्धांत थे या जो अपने उनका एक विचार है उससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। और बंदे ने कही कि कुछ भी हो जाए मैं जैसे हूँ जिस सिचुएशन में हूँ मैं अच्छा हूँ, मुझसे फालतू पंगे लेने की जरूरत नहीं है। और पलट के दोस्तों उनको अच्छे अच्छे जवाब सामने वाले उस माफिया वाले बंदे को पलट पलट के जवाब दिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है दोस्तों। ये थे आज के वीडियोज़, आज के अपडेट
टीजर भी थे दोस्तों, ट्रेलर रिएक्शन भी हो गया, और दोस्तों एक वीडियो थी के मैनन की मुंबई मेरी जान से। जब द रेलवे मैन और अपूर्वा रिलीज होंगी तब पता लगेगा दोस्तों उन सीरीज और मूवीज में क्या देखने को मिलता है। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, जिससे कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट किया करो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे बताया कीजिए कमेंट में लिखकर। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और मूवी रिएक्शन के वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।